भाई कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर, फिलहाल यही है जो कुछ है। साथ में सर जी आते हुए, सर पहला ही एक्सपीरियंस है आपका भी, ये है ना? हाँ भाई बिल्कुल। और यहाँ सर तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे कानपुर के जूलॉजिकल पार्क में, और शायद हमें यहाँ से टिकट्स वगैरह परचेज करनी होगी, तो टिकट का भी प्रोसेस देख लेते हैं कितने रुपए की टिकट है क्या है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैंक वैंक आने वाला है। हाँ लिखा थोड़ा सा सेलफोन है तुम्हारा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कानपुर के जूलॉजिक पार्क में, तो यहाँ कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं कभी आया नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन आइए आपको भी एक्सपीरियंस मैं आपको कराता हूँ। आइए कम तो गए इधर, पर हमें ये नहीं पता कि जाना किधर है, हैं? जाना तो आई थिंक इधर ही है, पर फिलहाल ये कोई व्यू है बहुत ही अच्छा। अरे काफ़ी अच्छा व्यू है, वाओ, एक चलती फुरती नाव। देख देख मगरमच्छ कहाँ पर है? वो उधर चल रहा है, थोड़ा ज़ूम करना। कहाँ पे है दिखाओ? उधर है वो पानी। उधर हाँ दिख गया दिख गया। ये चीज़ें नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलती आजकल के एनवायरनमेंट पे, लेकिन आप ये सारी चीज़ें ज़ूम में आके तो ज़रूर देख सकते हो। तो इट विल बी सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। गुड, मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वंदे भारत भी चलती है। बाल रेलवे स्टेशन यहाँ से 850 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे मिक्की माउस जिससे बचपन से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, वो भी। कोई ऐसा जानवर मिला भैया जिसे देख के आप सिंपैथी गेन करें? सिंपैथी अभी क्या गेन करेंगे, लेकिन पहले मेरे को देखने पड़ेंगे ना भाई यहाँ पे क्या क्या जानवर दिखा था। क्या था ये जो आगे जा रहे हैं? वाह, द एडवेंचर पार्क। ये बेसिकली ये भी एक्स्ट्रा पेड़ है आई थिंक, क्योंकि इसके अंदर जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली ये इसके अराउंड नहीं है, वो जीने और रौला काट रहे हैं यहाँ पर अजय भैया। यू कैन से समथिंग। कर लिया ये बात। मयंक मयंक मेरे भाई, भतीजे पांजे, सुनी नहीं रहे ये सब मयंक के दोस्त हैं। मयंक बड़े प्यार से बुला रहे हैं पर वो सुन नहीं रहे। ये लंबी टांगें होती हैं, लंगूर हनुमान बंदर कहते हैं इसे, ग्रे लंगूर। अच्छा ये हनुमान बंदर है, इट्स डिपेंड ऑन लेंथ। वाओ ये देखिए भाई, ये मिलते हैं हमें वहाँ पे वैष्णो देवी में, आप अगर जाओगे तो इस तरह के बंदर आपको दिखाई देंगे, उनका साइज बहुत बड़ा होता है वैष्णो देवी में, बहुत पावरफुल होते हैं ये। अच्छा देखिए इनके लिए कुछ रखा भी हुआ है। बट कैसे कह चुकूँ कि इसमें तीन कैबिन्स मैंने ऐसे देख लिए हैं जिसका आप एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे करेंगे। अब जैसे ये है आई थिंक ये कोई प्लेइंग के टाइम पे है, अब अगर मैं वहाँ जूम करता हूँ तो देखिए वहाँ पर आपको दिख जाएगा पूरा टिकट, है ना, टिकट उपलब्ध है। तो हम इसको नहीं बोल सकते, मतलब 70 रुपीज जो आप चार्ज कर रहे हैं वो इट्स हैं। वाओ ये देखो इसके पंख, इसकी चोंच कितनी बड़ी है भाई। एक लड़का भी तो था यहाँ पे, नहीं पूरा ये रहा सारस। ये डायनासोर के चाचा मिल गए हैं। इतनी दूर फर्रुखाबाद से कानपुर आए, सोचा कि चल के भालू को देखेंगे, और भालू भाई साहब मस्त तरीके से सो रहे हैं। वो देखो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ये जान के कि मतलब चलो कहने के लिए तो हमने कह दिया कि वहाँ पे वो भालू सो रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये जानवर मतलब उस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे बांध के रखा हुआ है और ये अपने इच्छा अनुसार ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इस तरह से। लेकिन क्या करें, पब्लिक है, दुनिया है, क्या कर रही है वो तो फिर उन्हीं के ऊपर है। भाई कहाँ है? वाह ये देखिए भाई पैंथर रियल। देखो भाई नीचे ये कलुआ का लौंडा ये है, ये रहा
देख ये नीचे लेटा हुआ है, इतना आलसी रखा। ओए अरे अबे मलाइका मैम, मलाइका मैम चिलकना, अरे चिलकना छोटा, इसका लिया ये वाला सिंगल। ये बाहर आना चाहते हैं, मतलब इनको उम्मीद रहती है, पता नहीं क्या हम लोगों से बाहर आए लेकिन नहीं आ सकते भाई। ये खा जाएगा बाहर आया तो, ये स्कैम हो रहा हमारे साथ, हम सोचे पत्थर है वो असली में डोल रहा है पूरा। इन्हें पता पानी की आवश्यकता है, उनके पास पानी नहीं है, सबसे बड़ी दुख की बात है भाई। आज मैंने देख इसको सिट्राइजिन खिलाओ यार, कानपुर के जू में। और ये रेलवे स्टेशन मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, क्यों बंद पड़ा है पता नहीं भाई। देखो यहाँ पे मशीन खड़ी हुई है, आने जाने का कोई ट्रैक नहीं है, वहाँ पे सब कुछ कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो सब बंद है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इसको चलाना चाहिए, यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट है उसको देखनी चाहिए सारी चीज़ें। इंजन भी है आगे, इंजन में फोटोज किस बात में। एक पिकनिक भी आई हुई है बच्चों की, ये बड़े प्यारे फोटो 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 फोटो। ट्रेन ये देखिए भाई, रेल यात्रा के भाई भाई साफ पहुंच चुके हैं। कहाँ जाएगी ये, फरकावाद उतार देगी? उतार देगी, फरकावाद उतार देगी तुम्हें पक्का। चलो फिर वो खड़े है काले, कहाँ है वो रे यार, वो सामने स्ट्रेट वो रहा कालू पीलू नीलू, ये काला हिरन, ये वही है जो सलमान खान जी गए थे। हाँ ये वही है जो सलमान खान ने मारे थे। हाँ उसको दोबारा, हाँ उसको दोबारा जेल में डालना चाहिए। ये रहा इसकी मूवी रिलीज होने से पहले। हाँ तो अभी पूरा हमने चिड़ियाघर घूम लिया है, हालांकि हालत बहुत ज़्यादा हमारी टाइट है, तो अभी हम एग्जिट पे आ गए। अब यहाँ से निकलते हैं, सीधा पहुँचेंगे फंक्शन के लिए।